दोस्तों हर देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते हुए भिखारी नजर आ जाएंगे, जिन पे रहम करके आप उनको एक दो रुपए दान दे देते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे भिखारी यानी होमलेस पीपल्स के बारे में जो रातों रात लॉटरी जीत के करोड़पति बन गए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। माइकल एंगफोर्स। दोस्तों माइकल अमेरिका देश के कोलोराडो शहर के रहने वाले हैं। पहले ये एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, धंधे में नुकसान और फायदा तो होता ही रहता है। तो इसी प्रकार माइकल को उनके बिजनेस में कुछ ज्यादा ही लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो बेघर हो गए और कुछ दिन बाद इनका डाइवोर्स भी हो गया। और ये 6 सालों तक रोड के किनारे रहकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने दुर्भाग्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और एक दिन वो गैस स्टेशन के क्लर्क गैबी ग्रेसिया से मिले। गैबी ने माइकल को लॉटरी टिकट्स के बारे में बताया और गैबी के कहने पर माइकल ने $10 की एक लॉटरी टिकट खरीद ली। दोस्तों कहते हैं ना, भगवान की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और ऐसा ही हुआ माइकल के साथ भी। अगले दिन माइकल $5,00,000 जीत गए और इंडियन रुपए में बात करूं तो करीब 3.5 करोड़ रुपए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस टिकट को 8,40,000 लोगों ने खरीदा था और माइकल की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इतने लाखों लोगों में सिर्फ उनका ही नाम लॉटरी में खुला। इतना पैसा जीतने के बावजूद भी उन्होंने ना कोई घर खरीदा और ना ही अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया। माइकल ने सारा पैसा अपने बेटी को ढूंढने के लिए लगा दिया, जिसे उन्होंने 20 साल से नहीं देखा था। दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप इतने पैसों को क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताना। ग्रैंट फ्रीमैन। दोस्तों अमीर बनने की चाहत तो हर किसी को होती है, फिर चाहे वो टीनेजर हो या कोई बूढ़ा हो। इवन अब की जनरेशन में छोटे बच्चे भी कहते हैं कि बड़े होकर अमीर बनेंगे, और ऐसी ही सोच रखता था ग्रैंट फ्रीमैन। इसके पास ऐसा कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था जिसमें पैसा ना हो। ये अमेरिका के नेवादा शहर में रहता था और इसने सोचा कि मैं गैम्बलिंग करके यानी कि जुआ खेल के बहुत सारे पैसे बना लेता हूँ और अपनी ज़िंदगी बदल लेता हूँ। और फिर ये इंसान सट्टा खेलने के लिए लॉस एंजलिस चला गया और उसने एक भी दिन बर्बाद ना करते हुए कैसीनो में एंट्री ली और गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, उसी तरह इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये अपना सारा पैसा डुबा चुका था और फिर उसने सड़कों पे बैठ के वहाँ आए टूरिस्टों से भीख मांगना शुरू कर दिया। इसने अपनी ज़िंदगी तो बदल ली थी, लेकिन उसने ऐसी ज़िंदगी की चाहत शायद कभी नहीं की थी। कुछ दिन बाद फ्रीमैन लॉस एंजलिस से 40 मील दूर निप्टन शहर में चला गया और उसने भीख के पैसों से दोबारा अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने एक लॉटरी की दुकान पे 2 मेगा मिलियंस लॉटरी खरीदी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो दोनों लॉटरी टिकट जीत गया। एक टिकट में उसको $8 मिले और दूसरी टिकट से उसने $1,80,000 जीत लिए थे। इन पैसों को जीत के उसने अपनी जिंदगी में कभी भी गैम्बलिंग ना करने का डिसीजन लिया। और हाँ फ्रेंड्स, अमीर बनने की चाहत रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही रास्ते से, ना कि जुआ खेल के। मेहनत करके अमीर बनने की खुशी जुआ खेल के अमीर बनने की खुशी से बहुत अलग होगी। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। विक्टर हेरेरा। दोस्तों अमेरिका के मशहूर शहर फ्लोरिडा और मियामी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप फिर भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि दोनों शहर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ की गर्मी भी बहुत मशहूर है। ये स्टोरी है विक्टर हेरेरा की, जो कि मियामी का रहने वाला है। इसकी वाइफ से इसका डाइवोर्स होने के बाद ये होमलेस हो गया और ये और इसका बेटा मियामी जैसे गर्म शहर पे रोड में रहने लगे। कुछ दिनों बाद विक्टर अपने बेटे को लेकर अपनी बहन के घर में सेटल हो गया, लेकिन उसकी बहन का घर बहुत छोटा था और वहाँ एसी भी नहीं था। विक्टर उसी टाइम घर से बाहर निकला ताकि वो थोड़ी राहत ले सके और उसने एक दुकान से बर्फ खरीदी और उसके साथ साथ उसने $5 की लॉटरी टिकट खरीदी। और दोस्तों इस टिकट को 15 मिलियन लोगों ने खरीदा था। विक्टर की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो लॉटरी जीत गया और उस लॉटरी से उसने $2,50,000 जीत लिए, जिसके बाद वो घर गया और अपनी बहन और बेटे को लेके एक होटल में एसी रूम बुक किया और चैन की नींद ली। उसके बाद उसने अपने लिए एक घर खरीदा और अपनी बहन को एक एसी दे दिया, क्योंकि उसके बुरे टाइम में उसकी बहन ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। लेज़लो एंडरशेक। दोस्तों इस इंसान ने अपनी जिंदगी में एक ही बार लॉटरी टिकट खरीदी और एक ही बार में सबसे ज्यादा पैसे कमा लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ लेज़लो की अनोखी कहानी के बारे में। दोस्तों लेज़लो एक बहुत बड़ा शराबी इंसान था और इसने अपनी जिंदगी शराब पी के बर्बाद कर ली थी, क्योंकि इसने अपने सारे पैसे शराब पीने में उड़ा दिए थे। इसकी इस बुरी आदत की वजह से इसके घर वालों ने इसे घर से भगा दिया, जिसके बाद लेज़लो बेघर हो गया था। लेज़लो 7 साल तक भीख मांग के अपना गुजारा करता था और रात को होमलेस शेल्टर में रहा करता था। एक दिन उसने अपने भीख के पैसों से अपनी किस्मत को आजमाने का डिसीजन लिया
और उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी जिसमें उसने एक ट्रेन के नंबर को बुक करा था और अगले दिन लैज़लो $2.5 million जीत गया। दोस्तों अगर मैं या आप होते तो शायद कभी भी एक ट्रेन के नंबर को कभी बुक नहीं करते, लेकिन लैज़लो की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वही ट्रेन के नंबर अगले दिन खुल गए। इतना पैसा जीतने के बाद उसने कुछ पैसा होमलेस शेल्टर में दान दे दिया जहां वो पहले रहा करता था और कुछ पैसे उसने अल्कोहलिक ड्रग फाउंडेशन को दान दे दिया, क्योंकि लैज़लो नहीं चाहता था कि जैसे उसने अपनी ज़िंदगी शराब पी के बर्बाद कर ली थी ऐसे और भी कोई करे। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप कभी लॉटरी में पैसे जीते हो, या आप किसी ऐसे गरीब इंसान को जानते हो जो रातों रात अमीर बन गया हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।